दो साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बीजेपी इसे अपने माथे पर डे बाय डे बढ़ा रही है। और ये उनका इसलिए कहना है कि रामिया पे जिन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान के ऊपर, उस चीज़ को लेके वो बोल रही है कि अब मानव अधिकार के अंदर लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते, और ये सब ढाई साल में बहुत तेज़ी से बदला है। देखिए, कांग्रेस के लोग बहुत निराश हैं, उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है, ये भी उनके निराशा का एक कारण हो सकता है। वरना इंटॉलरेंस का जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि कांग्रेस और वामपंथी दलों ने उठाया है, और उसकी हकीकत भी लोगों को समझ में आ गया है। दादरी में जिस तरह से घटना हुई थी गोमांस के को लेकर के, अंततोगत्वा जो रिपोर्ट आई वही आई, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से बीप के विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की वो शर्मनाक थी। इसी तरह रोहित बेमुला का भी मामले को बढ़ा चढ़ा करके इन लोगों ने देश के सामने प्रस्तुत किया, उसकी भी हकीकत देश के सामने आ चुका है। तो इनटॉलरेंस का विषय बीजेपी चला रही है, कांग्रेस और उसके सहयोग में वामपंथी दल। हकीकत तो ये है कि ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बेहतरीन दो साल। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जितना काम किया है, कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों के कार्यकाल में भी उतने काम नहीं किए हैं। इसलिए इनटॉलरेंस का जो विषय चलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती है उसका लाभ बीजेपी को नहीं मिलता है, बल्कि चुनावी रणनीति के तहत जब भी चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव आते हैं देश में, तो ये लोग उठाते हैं। वरना 1200 से ज़्यादा लोगों को अवार्ड मिला है, उसमें से 24 लोगों ने अवार्ड वापस करके इनटॉलरेंस के विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा करके न केवल भारतीय जनता पार्टी अथवा नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, बल्कि देश की भी छवि को धक्का लगाया।